जय जिनेन्द्र सभी को। मैं रेखा शाह, सेमिस्टर 7, आचार्य अमृतचंद्र जी रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में 51 नंबर से 59 नंबर के श्लोक का गणधर करने जा रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र जी के बारे में हम सभी को पता है। आचार्य अमृतचंद्र जी 51 श्लोक से 59 नंबर के श्लोक तक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार के 8 जो भंग है वो उन्होंने बताए। वैसे 8 सूत्र की है, इसमें 6 सूत्र जो भंग के हिसाब से है और 2 सूत्र जो पीछे है वो श्री गुरु की शरण और नयों के बारे में बताया हुआ है। सूत्र 1 है और श्लोक नंबर है 51। इसमें बताया है कि एक जीव हिंसा नहीं करता फिर भी हिंसा का फल भोगता है और दूसरा जीव है हिंसा करता है फिर भी हिंसा का फल नहीं भोगता। तो इसका कारण ये है कि जो जीव हिंसा नहीं करता लेकिन प्रमादवश उसके परिणमन होते हैं, इसीलिए उसका जब उदय आता है तो वो हिंसा का फल भोगता है। और दूसरा जीव है जो हिंसा करता है लेकिन उसी समय पे उसका प्रमाद भावरूप परिणमन नहीं होता है उस अंतरंग का, तो इसके हिसाब से हिंसा होते हुए भी वो हिंसा का फल नहीं भोगता है। सूत्र नंबर 2 में 52 नंबर के श्लोक में ये बताया है कि एक जीव हिंसा थोड़ी करता है उसको ज़्यादा फल भोगना पड़ता है, दूसरा जीव है हिंसा ज़्यादा करता है लेकिन उसका फल थोड़ा सा भोगता है। तो यहाँ भी यही बात की है कि जो जीव बाह्य हिंसा थोड़ी करता है परंतु प्रमादी होकर कसाई रूप हिंसा करता है, इसलिए उसका हिंसा का जो फल है बहुत सारा होता है। और दूसरा जीव है जो हिंसा बड़ी करता है लेकिन उसके अंदर प्रमाद रूप होकर कसाई रूप भावों से उसका परिणमन नहीं होता, इसके लिए हिंसा बड़ी होने के बाद भी उसको फल थोड़ा सा मिलता है। सूत्र 3 है और उसमें 53 नंबर का श्लोक में उन्होंने ये बताया है कि एक साथ मिलकर हत्या तो सब कर, अगर एक साथ मिलकर हत्या की जाए तो उसमें किसी को ज़्यादा हिंसा का फल मिलता है और किसी को कम हिंसा का फल मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो एक साथ मिलकर जब हिंसा होती है तो हिंसा करने वालों में कसाई भाव कैसा होता है? तीव्र कसाई अगर हुए तो वो उसका तीव्र फल मिलेगा और अगर मंद कसाई से हत्या हिंसा की जाती है तो इस हिंसा का फल मंद मिलता है, इसमें ऐसा बताया है। अब 4 नंबर का जो सूत्र है और 54 नंबर का अपना श्लोक जो है उसमें 4 बातें बताई है कि हिंसा से पहले हिंसा का फल मिलता है, हिंसा करते करते हिंसा का फल मिलता है, हिंसा करने के बाद हिंसा का फल मिलता है और है हिंसा करना प्रारंभ तो करे हिंसा नहीं होती फिर भी उसका फल मिलता है। तो यहाँ हिंसा करते समय कसाई भाव कैसा होता है उसी के अनुसार इस हिंसा का फल मिलता है। हिंसा से पहले हिंसा की नहीं लेकिन फिर भी मिलता है क्योंकि अंतरंग परिणाम जो है भाव हिंसा के वो अंतरंग परिणाम के हिसाब से कसाई रूप परिणाम के हिसाब से कर्म का बंद होता है। हिंसा होती नहीं लेकिन कर्म का जो बंद होता है अगर वो उदय में आएगा तो वो हिंसा का फल देगा। दूसरा है कर्म बंद हुआ तो उस जब वो उदय में आएगा तो वहाँ पे विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी होगी तो वहाँ भी उसका फल मिलेगा। हिंसा करने के बाद अगर हिंसा हो जाती है तो उसका तो फल मिलता ही है। और हिंसा करना आरंभ करें परंतु हिंसा नहीं हो, हिंसा के बारे में सारे संकल्प भी कर लिए, सारा उद्यम भी कर लिया लेकिन फिर भी हिंसा करना संजोगवशात नहीं हो पाया, लेकिन अगर यह संकल्प किया और उद्यम किया तो उसके हिसाब से संकल्प हिंसा उद्यम हिंसा का फल वहाँ भुगतना पड़ता है और मिलेगा। फिर श्लोक नंबर 5 है, 55 नंबर का सूत्र है, एक पुरुष हिंसा करता है तो उसका फल सारे लोग बहुत सारे लोग भोगते हैं और बहुत सारे लोग अगर हिंसा करते तो उसका फल एक भोगता है। अगर एक पुरुष हिंसा करता है सारे लोग फल भोगते हैं, इसका है कि एक व्यक्ति कमाने के लिए ज़्यादा है तो वो जैसे भी कमाता है हिंसा रूप अहिंसा रूप जैसे भी कमाता है उसके साथ में उसके फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, तो एक करता है और सारे भुगते हैं और बहुत सारे करते हैं और एक फल भुगता है तो उसमें ये संग्राम
संग्रामी हिंसा का यह उदाहरण दिया है कि सेना सारी लड़ने के लिए जाए इतने सारे लोग मिलके, अगर उसमें जो भी परिणाम हो लेकिन उसका फल सिर्फ राजा को मिलता है, क्योंकि उसका कर्ता राजा होता है, एक ही व्यक्ति होता है। ये पांचवें सूत्र में बताया है। छठवां सूत्र जो बताया है उसमें ऐसा बताया है कि जीव दिखता तो अहिंसक है लेकिन फिर भी उसको हिंसा का फल मिलता है। तो उसमें ऐसा बताया है कि बाह्य रूप से जीव अहिंसक है, दूसरों का भला करने वाला जीव है, विश्वास दिलाने वाला जीव है, अन्य के बारे में सच्चा और अच्छा सोचने वाला जीव है, ये बहुत कुछ करता है। तो बाह्य क्रिया उसकी अहिंसा दिखती है लेकिन उस जीव के अंतरंग परिणाम जो है वो हिंसात्मक होते हैं। अंतरंग परिणामों में उसकी हिंसा होती है, हिंसा का विचार होता है, उसका परिणाम हिंसात्मक होता है, उसके हिसाब से उसको हिंसा का फल भुगतना पड़ता है। दूसरी एक बात ये, दूसरा जो 57 नंबर के श्लोक में बताया है, सूत्र नंबर 6 में, कि जीव हिंसा करते दिखता है लेकिन फिर भी उसको अहिंसा का फल मिलता है, उसको हिंसा का फल नहीं मिलता, हिंसा होती है फिर भी उसको हिंसा का फल नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि एक डॉक्टर है, अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करके उसको रोग से मुक्त करना चाहता है लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु का हत्या का फल डॉक्टर को नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंतरंग परिणाम ऐसे नहीं थे कि मैं इस व्यक्ति को घात करूँ, इसलिए वो हिंसा हुई लेकिन फिर भी अहिंसा का ही फल मिलेगा, हिंसा का फल नहीं मिलेगा। अब है सूत्र नंबर 8वां, सूत्र नंबर 7। सूत्र नंबर 7 में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जो मार्ग से भटक जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कैसे होते हैं, प्रबुद्ध नयों में वो प्रबुद्ध होते हैं और नयों के समूह के वो ज्ञाता होते हैं, वो श्री गुरु होते हैं, उनके शरण में जाना चाहिए। जो अनेक प्रकार से भंगों से युक्त बहुत सारे जंगल जो होते हैं उसको कठिनता से पार करने योग्य होते हो ऐसे जो गुरु है उनके पास जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए कि जो सत्य श्रद्धान स्वरूप को भूल गया है, भटक गया है, ऐसे पुरुष को श्री गुरु की शरण में जाके सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। अब 8वां लास्ट सूत्र है, उसमें ऐसा बताया कि जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य, जिसको साधा नहीं जाता ऐसा दुसाध्य नय चक्र है, वो नय चक्र को धारण करने में अगर मिथ्या ज्ञानी कोई है जो इसको धारण किए बिना, नए चक्र को स्वीकार किए बिना जीनागम में अगर प्रवेश करना चाहता है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अगर वो सुनना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, जीनागम में प्रवेश करना चाहता है, वो नयों को समझे बिना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा है कि नयों के बिना जीनागम को नहीं समझा जाता। अगर जीनागम में प्रवेश करना है तो नयों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ऐसा मिथ्या ज्ञानी जो होते हैं वो अगर नयों को समझे बिना जीनागम में प्रवेश करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि सूत्र नंबर 1 में प्रमाद भाव हिंसा बताई है, सूत्र नंबर 2 में परिणामों की तीव्रता और मंद्रता के बारे में बताया है, सूत्र नंबर 3 में तीव्र कषाय से तीव्र हिंसा, मंद कषाय से मंद हिंसा, सूत्र 4 में कषाय भाव के अनुसार फल देने वाली हिंसा, सूत्र 5 में बताया है एक करे सर्व भोगे सर्व करे एक भोगे, सूत्र नंबर 6 में बताया है कि बाह्य परिणाम अगर हिंसात्मक है तो अंतरंग परिणाम अहिंसात्मक नहीं हो सकते, अंतरंग परिणाम अहिंसात्मक है तो बाह्य परिणाम भी अहिंसात्मक ही होंगे, और 7वें सूत्र में बताया है कि मिथ्या जो पुरुष भूल गए हैं उनको श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए, और 8वें सूत्र में बताया है कि नयों के बिना जीनागम को समझा नहीं जाता, नयों के बिना जीनागम में प्रवेश नहीं किया जाता। जय जिनेन्द्र।